ये लीजिए बिलाल भाई के लिए, एक नहीं दो सर बिलाल भाई, एक फोटो तो खींचा है ऐसे ऐसे। करीम अंसारी साहब प्रदेश अध्यक्ष जो है, पहले एक एक फोटो खींचा है, सुनिए इनके पहले ये जो वीआईपी दिख जा रहा है सभी वीआईपी। भाईचारा मिशन की और इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद हैं दिल्ली से तशरीफ लाए आली जनाब इज्जत मां राष्ट्रीय प्रचारक और आवाज के धनी, भाषाओं में जिनकी पकड़ है, महारत हासिल है, वो पीएचडी डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शब का जोरदार तालियों बजाकर आपको स्वागत सत्कार कीजिए। और इस मौके पर लाइव ओके न्यूज चैनल स्टूडियो जो कि शुरू से ही संकट मोचक का काम करता रहा है, हिचकोले ले रही भाईचारा मिशन की टीम को संभालने का काम हमारे लाइव ओके चीफ एडिटर, लाइव ओके न्यूज चैनल के चीफ एडिटर बहुत जबरदस्त साहब के कायम रहे हैं और भाईचारा मिशन को जहां भी जाते हैं सारे नारों के साथ एक नारा जरूर लगवाते हैं, वो है हमारा नारा भाईचारा। आरिफ बेग साहब अमर रहे, आरिफ बेग साहब अमर रहे, आरिफ बेग साहब अमर रहे। मैं ऐसे चीफ एडिटर साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो सिर्फ बचपने में आरिफ बेग साहब की तकरीर सुना करते थे, जब 77 में आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब एमजे खान साहब महज 12 साल की उम्र के थे और भीड़ में बैठकर आरिफ बेग साहब के लिए तालियां बजाया करते थे, आपके वालिद साहब के साथ आप बेग साहब की तकरीर सुनने जाया करते थे, और जब आपको ये मालूम चला कि भाईचारा मिशन आरिफ बेग साहब का मिशन है और शारिक अकेले ही लेकर चल रहा है इसको, तो उन्होंने कहा तू घबरा मत, तेरे माँ बाप आरिफ बेग साहब जरूर थे, तुझको अपने बेटे की तरह समझते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे तो मैं तेरा समझ ले कि तेरा पालनहार तो ऊपर वाला है, लेकिन तेरा मार्गदर्शन जरूर करूंगा। तो चीफ एडिटर बहुत बढ़िया वही काम कर रहे हैं और दिल्ली से डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शक्का साहब वही काम कर रहे हैं, हमको मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं, और अगर ये मार्गदर्शन नहीं होता तो शायद 5 सितंबर 2016 को आरिफ बेग साहब ने दुनिया फानी को अलविदा कह दिया था। आज कितने मिशन चल रहे थे लोगों के, लेकिन आज कोई नाम लेने वाला है क्या? ऐसे मार्गदर्शक हमको मिले हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अब्दुल करीम अंसारी साहब प्रदेश अध्यक्ष, जो कि अपने घर पर आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करने के बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था भी करते, कहते हैं कि दुनिया कितनी ही हो लेकिन मन के करीब है आप सभी, लीजिए स्वादिष्ट व्यंजनों का। अपना मार्गदर्शन बना ले, जो बच्चे अपने माँ बाप को, वो बच्चे कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसी क्रम में दूसरा मैंने देखा पेरेंट्स हमारे मुस्तकीम साहब माशाल्लाह, ये भी अपने बच्चों को अपने साथ लिए रहते हैं और इनके बच्चे भी इनको उस्ताद मानते हैं, जिस तरह मैं अपने फादर को उस्ताद मानता था उसी तरह मुझे ये दिखते हैं कि बच्चे, अल्लाह इन्हें कामयाबी दे। और ये मैसेज हर उस घर में पहुंचना चाहिए कि आपका पहला उस्ताद आपके वालिद मोहतरम हैं, आपके फादर हैं, आपके पिताजी हैं, आपके आदर्श पुत्र आदर्श पिता जो हैं वो आपके फादर हैं और आपकी माता हैं। इस तरह पहले कहा गया है कि अदब की यूनिवर्सिटी माँ होती है, अदब की यूनिवर्सिटी माँ होती है, घरों के अंदर संस्कार होना चाहिए। आज हमारे घर जो बिगाड़ पैदा हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि माँ बाप के अलग कमरे हैं, बेटियों के अलग कमरे हैं, बेटों के अलग कमरे हैं, माँ बाप बच्चों को देख नहीं रहे, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जो जब संस्कार की कमी होगी तो देश के अंदर नहीं घरों के अंदर बिगाड़ होगा, और जब घरों के अंदर बिगाड़ होगा तो ये अदालतें भरी हुई हैं 498 केसेस से, फैमिली डिस्प्यूट से, जस्ट छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। जो काम नेकी का करना है आज करो, अभी करो, क्योंकि साहब का कुछ है ये दिए साहब, आपके आज से टिकट जा रही है ये दिए साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अब्दुल करीम अंसारी जिंदाबाद, आरिफ बेग साहब अमर रहे अमर रहे, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शब्बा जिंदाबाद जिंदाबाद, चीफ एडिटर एमजे खान जिंदाबाद जिंदाबाद।
हैं और ये हमारी पूरी टीम है। आप दोनों का आपका क्या शुभ नाम सर? संतोष। संतोष जी आपको देख के हम सब संतोषी हो। हमारा जो ये मिशन है ये भाईचारा मिशन है। यहाँ पर क्या है कि हर आदमी को किस तरह कानूनी सलाह दी जाए, किस तरह उनकी पुलिस के डिपार्टमेंट से भी है। तो हमें बड़ी खुशी है कि दो भाई हमारे प्रोफेसर शारिक साहब, हमारे ओम प्रकाश सोनी जी और संतोष जी भी आपके साथ जुड़ गए हैं। आप यहाँ आए हैं तो ये आपके साथ आपके मिशन में जब कभी भी आपको कोई आवश्यकता हो तो आपके नंबर भी आप ले लीजिए और अपना जिस तरह मिशन का काम है उसमें हमारे ओम प्रकाश सोनी जी और संतोष जी के कुछ भी आप योगदान ले सकते हैं। हम बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ आज हमारे पास आए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद सर। इस शेर के साथ बल्कि श्लोक के साथ जो कि रामचरितमानस से उद्घोषित है पढ़कर के आपका स्वागत सत्कार करता हूँ। सुमन वस्ती नव संस्कृत भवन चले सुखकंद और चरी अचारी ने देख ही नगर नारी नर वृंद, अर्थात अयोध्या लौटने पर जब श्री राम अपने महल की ओर चले तो आसमान फूलों की वर्षा से छा गया। नगर के लोग अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके हमारे आदरणीय अशोक कुमार सोनी जी और संतोष भैया जी के राम रूपी दर्शन पाकर स्वागत है। मैं मेरी तरफ से और हमारे नूरुलबेग साहब की तरफ से मैं तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाल के आज यहाँ पर मीटिंग में आए। तो मैं नहीं समझता दूसरी के आरिफ बेग साहब का इंतकाल हो गया, मैं नहीं मानता। वजह ये है कि जो ये मिशन चल रहा है इतने बड़े मिशन के अंदर हमारे शारिक भाई जैसे, नूरुल बेग साहब जैसे, करीम भाई जैसे और हमारे बिलाल भाई जैसे लोग हैं, तो मैं नहीं मानता कि आरिफ भाई का इंतकाल हो गया। जब इन जैसे लोग हैं तो उनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप जैसे लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं उनकी प्रेरणा से, प्रेरणा से और एक लोगों को जोड़ना, आज के दौर के अंदर लोगों को जोड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आया मेरी जिंदगी गुजर गई लोगों को जोड़ते जोड़ते, लेकिन अफसोस आज मैं अकेला रह गया। जोड़ने वाला हमेशा अकेला ही रह जाता है। तो यही हाल हमारे शारिक भाई का है। कहीं भी जाते हैं हमने देखा अक्सर हम लोग ऐसे लोग हैं, हमारी टीम ऐसी है, एक मिशन हमारा भारत, हमारा नारा भाईचारा की और हमारे लाइफ ओके की कि हम पूरे एकजुट होकर चलते हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मिशन यही है कि बढ़ते चल, जोड़ता चलो, चलता चल और इंशाल्लाह यही करेंगे। मिशन भी यही है हमारा। लेकिन क्या होता है जब इंसान किसी को जोड़ता है तो बड़ा मुश्किल पैदा होती है उसके अंदर। और हमने ये भी देख रहे हैं कि हमारा विषय इतना बड़ा है, जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, तोड़ने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह हमारे मिशन को भी कहीं ना कहीं लोग ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल एक शेर की तरह पंजा मारने को तैयार है, लेकिन आज हमें कर ले कि उस पंजे को तोड़ के देखना है। क्या बात है, क्या बात है, उस पंजे को तोड़ के देखना है कि कहीं हमारे पास कहीं हाथ ना डाले। क्योंकि क्या होता है, हमने ये देखा था जिंदगी के अंदर माँ बाप से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अभी हमारे करीम अंसारी साहब ने कहा कि हमारी वजह से बेटा नहीं, ये हम कह रहे हैं हमारी वजह से बेटा नहीं है, हमारे जो वालिद हैं उनकी वजह से हम दोनों हैं जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आज अल्लाह ने हमारी माँ ले ली है, लेकिन हमारे वालिद साहब हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह वालिद साहब, वालिद साहब ने हमेशा हमें दो चीजें सिखाई, हमेशा दो चीजें सिखाई कि बेटा किसी का बुरा मत करना, जिसकी मदद हो दिल खोल के करना, दुनिया तेरे सामने खुद खड़ी हो। हमेशा मेरे वालिद ने यही नसीहत दी कि हमेशा लोगों के लिए भलाई करना। आज हम हमारा मनारा भाईचारा, हमारा लाइव होके हमारे लोग हमारे साथ जुड़े तो उससे बढ़कर हमारी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
क्योंकि कहते हैं ये ऊपर वाले का हुक्म है, सारे रिश्ते टूटिया सारे रोग रूढ़िया। वाह, लेकिन एक दोस्त रूढ़िया आएगा तो जिंदगी वहीं दम जाएगी। तो ये वो दोस्त है, कंधे से कंधा मिला के चले शाहिद भाई, कंधे से कंधा मिला के चले सईद भाई, हमारे मुस्तकीम भाई, और ये हमारे करीम भाई। हमारी बात तो हमारी हमारे भाई से बहुत काफी टाइम के बाद हुई, लेकिन बात जो सच्चाई है वो सामने आई जाती है। मैं इनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। आप यकीन मानो या नहीं मानो, इतने लोग बैठे हैं, ये मेरी दूसरी मुलाकात है इतने साल में, ये मेरी दूसरी मुलाकात है भाई से। लेकिन हमने जब पत्रकारिता करी तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले पढ़ना हमें इंसान का चेहरा कि वो कहां तक जा रहा है। ये मीटिंग अगर हमें बरकरार रखना है तो मीटिंग में तो लोग होना चाहिए, जब ही तो हमारा संदेश पहुंच पाएगा वहां तक। हमारा संदेश ही नहीं पहुंच पा रहा, क्या बात। हम मोबाइल के अंदर मैसेज डालना कल मीटिंग है भाई, मीटिंग है। अगर हमारा नारा भाईचारा को अगर हमें आगे ले जाना है तो उसके साथ साथ लोगों को भी आगे ले जाना है, ले जाना है कि भाई कल जैसे आज हम कह रहे हैं हमने इस गरीब के लिए करा उस गरीब के लिए नहीं, सबसे पहले हमारा नारा भाईचारा में हर आदमी गरीब है भाई, आप भी तो लगा के आयो। हमारा नारा भाईचारा में हर आदमी गरीब है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैंने सही कह रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा नारा मजबूती से बने, हमारा नारा भाईचारा। हमें एक मीटिंग स्पेशल में हमारे आदरणीय अध्यक्ष नूरुल बेग साहब से लेना चाहिए, बिल्कुल। ये हमारी बड़ी बहन बैठी है, हमारी बात जरूर होती है ऐसा नहीं, लेकिन अल्लाह ने इस वक्त सबके दिलों में इज्जत रखी, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। इनके दिल में क्या इज्जत है मैं जानता हूँ, और इन लोगों के लिए मेरे दिल में क्या है ये भी जानता हूँ। इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है था, इसी तरह इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है तो मिशन से बढ़कर भी कोई चीज नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उनसे आप मीटिंग करें, और हमारे जितने भी सहयोगी बैठे हैं बेचारे, इनके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ साथियों। आज लाइफ के ऑफिस में राष्ट्रीय शक्ति फाउंडेशन बाग हमारा नारा भाईचारा की मीटिंग रखी गई है। यहाँ पर आए सभी मेहमान खुश हुई, हमारे साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका हमारी समाज सेवी का हमारी बहन है, और हमारे दिल्ली से आए हुए मेहमान खुश हुई मेदार साहब और हमारे करीम साहब, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ यहाँ आए। और इन लोगों के मार्गदर्शन में मैं भी इसी से हूँ, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और जैसा कि शारे भाई ने कहा था कि मैं एक्टर हूँ, तो मैं अपने बारे में बताऊँ कि लाइफ हो गए हमारे चीफ एडिटर हैं जहाँ में उनकी माशाल्लाह बम्बई में बहुत अच्छी पकड़ है फिल्म इंडस्ट्री में, उनके माध्यम से मैंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, बड़े बड़े रोल किए और सीरियल भी किए, वेब सीरीज। अभी प्रेजेंट में मेरे टीवी में एड चलना है लगातार, प्रतिबंध जो सीआईडी के सीनियर रहते हैं उनके साथ चल रहा है। एक प्रेजेंट में 21 तारीख को अजमेर 92 फिल्म लगी हुई है, उसमें अभी आप उसका देखेंगे उसके ट्रेलर में मेरा आजा का डायलॉग, और विद्युत जामा जी की 3 करोड़ की फिल्म अभी जो आई थी उसमें मैंने किया है, दुर्गामती बड़े बड़े आर्टिस्ट का नाम है। आपने भोपाल का नाम रोशन किया है, आपका और चूँकि आप लोग इसमें शौक रखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, बात करते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये विचार विमर्श। बहुत अच्छा है, और हमारा आज जो मीटिंग जो मकसद होता है इस रखने का, आयुष बेग साहब के मिशन को आगे बढ़ाना, उनके विचारों को आगे बढ़ाना, ये हमारा मकसद होता है। बिलाल साहब से मेरी दूसरी मुलाकात है, पहली मुलाकात में जो इनकी स्पीच हुई थी तो मैं उनका भी वो हो गया था मुझे, जैसा कि शारिक साहब हमारे अच्छा बोलते हैं, तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी का शुक्रिया। अब वक्त आ गया है कि मुखर वक्ता राष्ट्रीय प्रचारक जनाब डॉक्टर मोहम्मद बिलाल छपका साहब को सुनने का, लेकिन उससे कबल कारी साहब भी दो शब्द कहना चाहते हैं, तो इस शेर के साथ मैं उनको बुला रहा हूँ कि आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं, एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं, कोई प्यासा नजर आ जाए। सारे लोग और हमारी माँ बहन ये सत्रह लोग हमें दुश्मन जान कहते हैं, ये सत्रह लोग हमें दुश्मन जान कहते हैं, हम तो इस देश की मिट्टी को भी माँ कहते हैं, हमें दुश्मन जान कहते हैं, हम तो इस देश की मिट्टी को भी माँ कहते हैं,
और मदीने पाक में भी हमने दुआ मांगी, मदीने पाक में भी हमने इस वतन के लिए दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं, इसको वतन का दर्द कहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब अपनी बात रखने के लिए। आप इस मीटिंग के रूहे रवा सोल ऑफ द मीटिंग सिपाही, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में आरिफ बेग साहब की उंगली पकड़ी, उन्होंने आपके अंदर प्रतिभा को भागते हुए भविष्य का आरिफ बेग बताया। 2004 में आपकी उनसे सीधे मुलाकात, आरिफ बेग साहब ने आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में जोड़ा, माखनलाल चतुर्वेदी में आपका रजिस्ट्रेशन करवाया, अपनी पेंशन के पैसों से आपकी के लिए जिनके लिए अक्सर मैं कहा करता था कि जुम्बिश लबों को दे तो फिजाएं महक उठे, और खुशबू है लफ्ज जिनके लहजा गुलाब सा। ऐसे उस्ताद मोहतरम आरिफ बेग साहब की बगिया में बैठे भारत माँ के लाल और बेटियों को मैं दिल की गहराई से अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल यही कह के मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। नाम मेरा मोहम्मद बिलाल है, जन्म यूपी में हुआ है, माँ की गोद ने मुझे पाला है, तो आरिफ बेग साहब ने मेरी परवरिश की है। दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ, मास कम्युनिकेशन में PhD हो गया हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ कि इंसान हूँ और इंसान से प्यार करता हूँ। वाह 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 वाह। और ये जो सोच दी तो इस मंच पर आकर ये सोच मिली है, जिस मिशन का नाम सबका मजमुआ हमारा नारा भाईचारा है, राजशक्ति फाउंडेशन है, तो ये अल्लाह का ईश्वर का बड़ा करम है कि यहाँ संतोष भी है, यहाँ ओम प्रकाश भी है, यहाँ बहन तहजीब भी है तो यहाँ बहन बद्रुन्निशा भी, यहाँ पे सईद साहब भी हैं तो यहाँ पे जफर साहब भी हैं, यहाँ पर शारिक भी है तो यहाँ पे इरफान साहब भी हैं, और यहाँ पर जावेद साहब भी हैं तो अब्दुल करीम अंसारी जिनका नाम है, उन्होंने मुझे सिखाया था कुछ दिन पहले, पंडित भगवान दास दयावान शरण दायक, दयावान शरण दायक ये उसकी महफिल है। तो मैंने रब्बिस राली सदरी को पढ़ लिया, तरंगों के माध्यम से मुल्क में तो जा रहे हैं लेकिन दिलों के माध्यम से दिलों में चले जाएं तो मिशन कामयाब हो जाएगा। तो मैं यारी बेग साहब ने शुरू किया, तो अब मैं ये जो शारिक है ये बहुत 2 घंटे से मेहनत कर रहा है, तो सबसे पहले मैं तालियों की गुजारिश करूंगा, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और दूसरी तालियों के हकदार है तो हर शख्स, लेकिन साहब नाम है लाइफ ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लाइफ ओके तभी ओके होगी जब इस समाज में, इस मुल्क में और इस राष्ट्र में भाईचारा होगा, तभी लाइफ ओके हो सकती है, वरना लाइफ ओके नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जगह ना तो चुनी मुस्तकीम ने, ना दी जावेद ने, ना प्रयास रे अब्दुल करीम के, ना बिलाल आया खुद चलकर, जब पत्तों को हवा देने वाला रब्बुल आलमीन है, चींटियों को चलाने वाला, खाना खिलाने वाला रब है, और समुद्र में सामने वाले ताल में मछलियों को पालने वाला, इनके आप BPL के राशन कार्ड नहीं है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। ये कमलनाथ हो या शिवराज हो या नरसिम्ह राव हो या मोदी हो, फर्क इंसान को पड़ता है, इस मखलूक को नहीं पड़ता, उसको पालने वाला रब्बुल आलमीन है, तो यहाँ पर लाने वाला भी, मीटिंग कराने वाला भी रब्बुल आलमीन है। ये बात नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा सोनी साहब,
आज आप पहली बार आए ओम प्रकाश जी। और संतोष जी गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान और जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। मेरे उस्ताद ने सिखाया कि लाख जमा कर ले बंदे तू दौलत हीरे मोती डॉक्टर साहब मगर याद इसे भी रख ले कफन में किसी के जेब नहीं होती। और डिपार्टमेंट वाले लोग जब किसी का इंतकाल घर में होता है तो उसे सुपुर्दे खाक कर देते हैं शमशान ले जाते हैं। और ये चलाक बुद्धिमान मेट्रो बनाने वाला हवाई जहाज को उड़ाने वाला ये दिमागदार इंसान जब हॉस्पिटल में डेथ हो जाए सरकारी आदमी बैठे तीन यहाँ जफर संतोष और ओम प्रकाश बिना पोस्टमार्टम कराए हुए डेड बॉडी भी नहीं देते सर। सही वर्षा बहन का आज बेटे पर क्योंकि वर्षा को मेघा कहते हैं और आज जो वातावरण है वर्षा बहन का इस्तकबाल करते हैं हम। और वर्षा का तो इस्तकबाल मानव समाज शुरू से करता है क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो फसलें फलीभूत नहीं होंगी। तो वर्षा बहन आप मीटिंग में आई जोरदार तालियां इनके लिए। और बढ़िया बात इन्होंने बताई कि ये भोजन कराती हैं मुस्तकीम भाई ने तो दिल बड़ा खुश हुआ। तो मैं कह रहा था पुलिस वाले डिपार्टमेंट के लोग पोस्टमार्टम कराते हैं। अभी आप देखिए साहब एक हिंदी का शब्द है लाभ 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 बेनिफिट नजरिया ही तो है। मैं बद्रू निशा बहन जहां बैठी है मैं वहां बैठ जाऊं मेरी बाजी यहां बोलने लग जाए तो लाभ के शब्दों को पलट देंगे ओम प्रकाश भाई। ला को पहले लिए था पहले लाभ ला को बाद में ले जाओ भा को पहले लिया हो तो क्या बन गया भला। अगर सोच भले की होगी तो लाभ पक्का होगा। यहाँ जो इकट्ठे हुए महज सोच को बदलने के लिए इकट्ठे हुए हैं साहब। और जावेद भाई मैं आपको नहीं आपके वालदेन को सलाम करता हूँ कि आपने ये महफिल सजा कर आसमां को जहां जिद है बिजलियां गिराने की और अमन के प्रचारकों को भी जिद है वही आसियां बनाने की। वक्त नूर को बेनूर कर देता है और जरा से जख्म को नासूर कर देता है। वक्त बलवान है तुम मेरे अपने में ठीक है मैं मन की बात कहने दो कुछ लोग रेडियो से कहते हैं मैं तो अपनों में ही कहने दो यार अपनों में ही कहने बात भूल जाएगी। बेग साहब ने इनका नाम रखा था भोपाल का बिलाल छक्का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर आप देखिए दो घंटे से कितनी जरूरत से वो कर रहे हैं। और हम तो एक बात कहते हैं सुधार तो कभी भी हो सकता है। पानी की एक बूंद जो लगातार गिरती है वो पत्थर में छेद कर देती है संतोष जी। यानी ये जो मीटिंग हो रही है और शुक्र अल्लाह का है कि मोबाइल है फेसबुक है फोटो है जा तो है देर से जरूर जाएगा लेकिन जाएगा क्योंकि जिम्मेदारी देने से आदमी के मामला कुछ और बन जाता है। आज सबकी मौजूदगी में आपकी अनुशंसा पर इनको प्रदेश का प्रभारी बनाया जाता है मीडिया प्रभारी बनाया जाने पर और आप सब लोग ये नहीं ये जो विधिवत एक मिनट ये मीडिया प्रभारी ये तो शाब्दिक मामला है इनको आप लिखित में देंगे ये मैं निवेदन कर दूसरी बात शारिक की मेहनत मुस्तकीम का कार्य
कारवाजार इरफान की भी कोशिश है, आपकी वकालत। लोकतंत्र में तीन चीजें होती हैं, अपील, दलील और वकील। अपील हम उन बेजुबानों की करें जिनके जुबान नहीं है, दलील आप दें। वकील बनकर सहयोग ओम प्रकाश संतोष और जफर जभी तो करेगा प्रशासन से आपका। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो तो नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ मेरी बहनों, मेरी माताओं, बड़ी हो आप जो भी, ऐसा है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्यों आज एक घोषणा करी इन्होंने कि बिलाल साहब जब दिल्ली से आएंगे तो मध्य प्रदेश की टीम उनका किराया देगी। वाह, तो इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। जबरदस्त किराया, ठहरना रहना सब। अब मैं दो शब्द बोलूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा अल्लाह की मर्जी से। वो मेरा भाई बड़े कसीदे पढ़ रहा था, उसको भी सलाम। इनका भी प्यार मुझे बहुत मिल रहा था। लेकिन एक बात कहूँ, दुनिया के जितने दरख्त हैं उनकी कलम बना लो और सातों समुद्र की शाही बना लो। अगर तारीफ किसी की करनी है तो रब्बुल आलमीन की करनी है। आदमी के ऊपर।